Hello everyone, welcome back to my channel Mix Life of Beauty. I hope you guys are doing well. I'm super excited today to be here at the WTT Wetland Center Slimbridge in England. This wetland center was opened by Sir Peter Scott in November 1946, and now WTT has got 8 wetland reserves around England, and one of them is right in the center of London in Barnes. Slimbridge has got the largest collection of wildfowl species in the world. Many of the water birds live here all the year round, and some other migratory thus to and from the summer breeding grounds. तो जैसे ही हम वेटलैंड के अंदर चले आते हैं तो हमें बहुत सारे चिड़िया देखने को मिलेंगे. ये है पिंक फुटेड गेस, तो हम इनको खाना भी खिला सकते हैं और खाना काउंटर पे बेचा जाता है, तो हमको वहीं से लेके खरीद के खिलाना चाहिए. दूसरा खाना उन लोग को सूटेबल नहीं रहता है. और वन ऑफ द अनदर इम्पोर्टेंट बर्ड स्पीशीज जो फ्लेमिंगो है, यहाँ के बहुत इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन चिड़िया है. और इतने सुंदर चिड़िया मैंने तो लाइफ में पहली बार फ्लेमिंगो देखा है यहाँ पे, और 6 स्पीशीज के रूप में देखा है. और मतलब जो एनवायरनमेंट है, जो रहने का वो है, बहुत ही साफ सुथरा और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बना के रखा हुआ है. बोरोनी माँ डाउना को मिचिया हांग सुथांग माथांग दाउबोथांग माथांग एकदम थबाई बाइथिंगा उल्टा उल्टा माबाइयो डेम बाइयो जोंना जेनेबा थाबायबा हान्थुआ अगुलथिं थाङोना, किन्तु बेना थाबायबा हान्थुआ उनथिंसो थाङो आरो. हांसोथां माथां मा होनो इंलिसनि फ्लेमिंगो होनो बेखौहाय. मेरला दाउ दङ, 6 बेलेग बेलेग धरमनि, एखे दाउआनो 6 बेलेग बेलेग धरमनि दङ आरो बेयावहाय. बिसोरो ऐ जे जोंना बिल थायो जे वेटलेण्डखौ बर'नि बिल बिदिनो होनबाय, जेनेबा आसामिसनिबो बिल होनो. जब बे बिलावहाय जों इदिनो आरामै थाबायनो हायो. इनो हम लोग ऐसे ही चल सकते हैं चिड़ियों के साथ. फुटपाथ बनाया हुआ है हर जगह पे, काफी जगह बहुत ही वाइल्ड भी है. जैसे हम जाते हैं टहलते हैं, घास फूस बहुत सारे हैं और बहुत सारे वाइल्ड स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स है, ग्रासेस है, जिसको देखना है और एनवायरनमेंट अच्छा लगता है देखने के लिए, वो उसको तो आना चाहिए यहाँ देखने के लिए. इनफैक्ट मेरे पास तो मेंबरशिप कार्ड है, मैं उसी मेंबरशिप कार्ड को लेके हर वेटलैंड सेंटर पे जाती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है. बिकॉज आई एंजॉय बर्ड वॉचिंग. तो आं दाउसेन नायनो बिराद मोजां मोनो, बिनिखायनो आं जि जेरावबो दाउसेननि माबा थायो आं बेयाव थांनानै नायहैनो मोजां मोनो आरो. दिनैहाय बेयावहाय इंलेण्डनि बे स्लिमब्रिज होननाय जायगायाव फैदों. बेयाव बे माने संसारावहाय बेयावहाय बयनिख्रुइबो बांसिन दैयाव थाग्रा दाउसेन दङ आरो, थाफैयो बेयावहाय. कन्जर्भेसन माने बे दैयाव हांसो सिलारि बेफोरबायदिनि जाथिनि माबा आरो. जेरै अभी तो कोरोना वायरस हुआ है, इसीलिए कुछ जगह बंद किया है और ओपन स्पेसेस ही खुला है. बट स्टिल जितना भी देखने को मिलता है वो बहुत ही सुंदर है. और अगर आप लंदन में या फिर यूके में, इंग्लैंड में रहते हैं, तो आप ये सब वेटलैंड सेंटर पे अपने बच्चों को एजुकेशन के पर्पज़ के लिए लेके जा सकते हैं. बिकॉज दिस इज़ वन इम्पोर्टेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे हम बोल सकते हैं. और इस चिड़िया को बीविक स्वान कहते हैं. ये भी बहुत रेयर है बट यहाँ पे मिलता है. और ये है स्वान, म्यूट स्वान. इसको रानी का स्वान बोला जाता है. रानी स्वान भी है, रानी निहंस सिलारी बेको जो रिश्ता रहा, किंतु मंचिया क्राइम जगह इसको कोई मार नहीं सकते. बिकॉज दिस इज अ क्वीन स्वान. ये है कॉमन क्रेन. कॉमन क्रेन जो है वो कंजर्वेशन के लिए सोमरसेट लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया था. और अभी ये क्रेन यहाँ पर भी आते हैं, स्लिमब्रिज पर भी आते हैं. इसका पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी बड़ा चिड़िया है. कम से कम आई थिंक 4 फुट तो ऐसे ही था. और ये है चील, ब्लू चील. इसका जो मुंह है ब्लू कलर, मुंह ब्लू कलर का है. और यह मेडिटेरियन गल, बहुत क्यूट है. उसका वेव फिट है. एंड दिस इज रेन गार्डन, बारिश का गार्डन, ओखानी गार्डन है, जहाँ पे बक होटल भी बहुत सारे थे. तो हम ऐसे ही चलते गए और देखते गए कि कितने अलग अलग एरिया, अलग अलग जोन बनाया था इन लोगों ने कई जगह पे. जैसे कि ऐसा है कि लेसर फ्लेमिंगो जोन, या फिर फ्लेमिंगो लगून, और बच्चों का खेलने का जगह,
और फिर ऐसे भी जगह है जहाँ पे मतलब छह प्रकार के फ्लेमिंगो है, तो छह प्रकार के अलग अलग जगह इन लोगों ने बनाया है, लेसर के लिए अलग, ग्रेटर के लिए अलग, एशियन एशियन जोन भी है जो एशिया के जो चिड़िया वगैरह रहने के लिए, और ऐसे ही अलग अलग वैरायटी है और काफ़ी सुंदर सुंदर बैठने का जगह है। अगर आप अपने बच्चों के साथ खाना खाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी खा सकते हैं। और एक ऐसा घर है जहाँ पे मेंढक वगैरह को रखा गया है, मतलब बहुत डिसप्ले मजा रंग बिराद मजा मजा साइज फिसातार आरो। और ये घर है जहाँ पे इन लोगों ने जो चूहा है, अलग अलग टाइप के चूहे उसको रखे गए हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द हार्वेस्ट माउस और वाटर बॉय भी है वहाँ पे, जो मतलब वो हार्वेस्ट माउस जो होते थे वो खेतियों में पहले देखा जाता था बट अभी नहीं है। एनजोर बेको हार्वेस्ट माउस ननबुंग इंग्लिश नहीं एनजोर फिसान बेयो माने यूके आव बे इंग्लैंड आव नुजायाक्सै मोन ओमफाय सोरबा बेखौ हाय बासायजेनबाय कन्जर्व खामनानै दोनजेनबाय ओमफाय दोननि हे दा माने बे दङसै आरो पपुलेसनआ मोजाङानो दङ। बेबायदिनो बहुत थाबायनो जागा जेनेबा नों सिङाव हाय बिसिबां नायनो बिकज स्लिम ब्रिज जो है वो कम से कम 800 एकर्स के है, तो काफ़ी बड़ा जगह है, कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है आप मैप देख के अपना प्लानिंग कर सकते हैं। और ये एप्पल ट्री इतना बड़ा है, जहाँ से मैं आती हूँ आसाम में एप्पल ट्री मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, तो जब भी मुझे ये सब दिखता है तो बहुत मैं खुश हो जाती हूँ। और यहाँ पे अभी ऑस्ट्रेलिया का कुछ चिड़िया है वाटर बर्ड, उसको पाए जाते हैं, तो उन लोग ने ये एनवायरनमेंट क्रिएट के रखा है। और ये है विस्लिंग डक्स, चिड़िया है जो आपस में एक साथ मिल के रहता है कुछ नहीं, क्योंकि उन लोग का एनवायरनमेंट सूट होता है। और हाइट आउट्स है यहाँ पे, जैसे कि छह हाइट हाउस है शायद, लेकिन सब खुला नहीं था, जहाँ पे हम गए ये वाला खुला था। तो यहाँ पे आप बैठ के वो वाइल्ड बर्ड्स, जब ये पानी भर जाता है विंटर सीजन में, तो आप यहाँ पे बैठ के आराम से देख सकते हैं, जब बर्ड स्पॉट कर सकते हैं वाटर बर्ड्स या फिर कुछ भी छोटे छोटे चिड़िया जो वाइल्ड है। और हम अभी चलते चलते पहुँचे हैं ऑथर्स कंजर्वेशन का एक जोन है वहाँ पे, तो ये है नॉर्थ अमेरिका का रिवर ऑथर्स, बेजा है भाई नॉर्थ अमेरिका ने रिवर ऑथर्स, और इसको स्लिम ब्रिज में रखा गया है 2009 से। और ये है तीन, मतलब उसका एक माँ है जिसका नाम फ्लो है, और दो ट्वीन्स है जुरुआ, एक का नाम मिनी और दूसरा का नाम है हाहा। सो बे ऑथर ने भी मानी नामा जाहैबाय फ्लो, ओमफ्राय फिसा सानै दङ, सासेनि नामा मिनी सासेनि नामा हाहा। ओमफ्राय बिसोरो बे मोनसे जन दङ बेक फ्रम द ब्रिंक बे होननाय जायगायावहाय माने थायो, स्विम खालामबाय थायो बिसोरो, सानस्रिबाय थायो, ओमफ्राय ना एरिखौ मालाय जाहैयो अनथावथावथार नायनो, तो बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ से आके आप देख सकते हैं हर कोई वहाँ पे खड़े होके ऑथर्स को ही देखते रहते हैं जब खाना खिलाते हैं, बिकॉज दे लुक रियली क्यूट व्हेन दे आर बाइटिंग समथिंग लाइक दैट। और ये है नॉर्थ अमेरिका का जोन, यहाँ पर भी अलग टाइप की चिड़ियाज रखते हैं। और यह है डक हट, मतलब क्या बोलते हैं मटक का घर। और ये है टुंड्रा रीजन, और यहाँ पे एक मछुआरे का घर बनाया है, कैसा था वो मछुआरे का घर पहले और किस तरीके से रहते थे, जब बिस्तर है या खाने का जगह है, जो ओवन है चूल्हा वगैरह वो सब दिखाया है। गोदोनि बे ना हमग्रानि न' बियो, जेनेबा मारै थायोमोन, बाथरुमा माबायदिमोन, न'आ थाग्राया माबायदिमोन, बेफोरखौ माने देखायदों आरो बेयावहाय। तो मेरा आज का
का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आगामी बे वीडियो को बोनो जप्ता हो तो सीखें और जुदी नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयर खालामदो। आई ट्राई टू ब्रिंग मोर वीडियोस लाइक दिस इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।